बाहर का व्यू भी दिखा दो, लोग स्विमिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के केक खा रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। सो गाइज, मैं आज हूँ हेरिटेज विलेज रिजॉर्ट एंड स्पा, जो लोकेटेड है मानेसर के अंदर। और ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा सुंदर है, लाइक यू नो पूल है यहाँ पर, इतना बड़ा लॉन है, 13 एकड़ का रिजॉर्ट है, लाइक लिटरली 13 एकड़ का रिजॉर्ट है ये। एंड यहाँ पर मेरे उन्होंने सर्व किया एक बहुत अच्छा स्प्रेड ऑफ हाइटी। तो कैमरामैन जी थोड़ा सा आगे आके दिखाइए ऑडियंस को कि क्या क्या है हमारे पास। तो ये है हमारे पास मिनी टार्ट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 types ऑफ केक है, लाइक वनीला, वॉलनट एंड बनानास, एंड वी हैव सम पिस्टैशियो कुकीज। देन हमारे पास सैंडविचेस हैं, स्प्रिंग रोल है, साथ में मेरे पास मैंगो स्मूदी भी है। और अब मेरे पे फोकस करिए कैमरा जी, और मेरे पास है मेरी शाम की चाय। तो आज शाम की चाय इज फ्रॉम हेरिटेज विला रिजॉर्ट्स एंड स्पा मानेसर। तो उसी बात पे चीयर्स, और पहले एक चाय की चुस्की लेंगे, फिर आपको खाना खा के दिखाएंगे। दीदी देख के मुझे स्माइल कर रही है, एक बार दीदी पे फोकस करो। अच्छा बोल रही हूँ? Yes. You like it? Yes. आप पीछे, मेरे पीछे व्यू देखो, ये इनका लॉबी व्यू है। तो इतना सुंदर से इन्होंने ये लॉबी व्यू कर रखा है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं राजस्थान या जयपुर में हूँ, लाइक द व्यू इज अमेजिंग। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ जो है स्प्रिंग रोल्स, एंड मुझे एब्सोल्युटली इसकी प्लेटिंग काफी अच्छी लगी। लेट्स हैव अ बाइट। काफी बढ़िया यार, मैं काफी क्रिस्पी है। एंड द बेस्ट पार्ट, मुझे क्या लगा कि वेजीज आर वेरी फ्रेश, लाइक इसमें कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम सब डाले हैं। नीचे जो ये डिप दी है ना, दैट स्वीट टैंगी स्पाइसी फ्लेवर जो आ रहा है ना, बहुत मस्त आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मैं ये मिक्स टूटी फ्रूटी केक ट्राई करने वाली हूँ, जो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ एक बार, बिकॉज ये इतना ज़्यादा यम है। लाइक मुझे टूटी फ्रूटी केक बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये वाला ना इतना यम है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। सो लेट्स हैव अ बाइट। डिलिशियस इज द वर्ड, डिलिशियस। बाहर का व्यू भी दिखा दो, लोग स्विमिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के केक खा रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। पहले मैं पीने वाली हूँ ये मैंगो स्मूदी। एक बार आप इसका लुक देखो, कितना ब्यूटिफुली इन्होंने ये मैंगो स्मूदी को बनाया है। और आम का सीजन चल ही रहा है, और आम है सारे फ्रूट्स का राजा। सो लेट्स हैव अ सिप, और उसके बाद खाएंगे पकौड़े भी यार, क्योंकि पकौड़े मेरे फेवरेट हैं। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं स्ट्रॉ लगाना ही भूल गई। इट्स सो गुड, मतलब बिल्कुल ना एक रॉयल फील आ रही है। स्मूदी का तो है बिकॉज ऑफ द कर्ड एंड योगर्ट के साथ उन्होंने बनाया, जो ऊपर से इन्होंने आलमंड फ्लेक्स, पिस्टैशियोज और मैंगोज लगाए ना, उसकी वजह से एक इतना ज़्यादा रॉयल फ्लेवर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक मैंगो शेक पी रही हूँ, विच हैज़ लाइक फुल रॉयल फील्स। और ऑलरेडी यार ये प्रॉपर्टी में इतनी रॉयल फील्स है, तो ड्रिंक से भी रॉयल फील्स ही आ रही हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। सो अब लेते हैं पकौड़ा। वो पनीर का पकौड़ा यार ये तो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ पनीर पकौड़ा यार। पनीर पकौड़ा तो हम दिल्ली वालों की जान है जान। ब्रेड पकौड़े की कसम व्यापार करूंगा प्यार नहीं। बता दो कौन सी फिल्म का डायलॉग है, मान जाऊंगी तुम सबको कि तुम बॉलीवुड फैंस हो।